अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ कौकब और आप देख रहे हैं कौकब यूट्यूब चैनल। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए आलू कीमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू कीमा बहुत मज़े का बनता है, बहुत इजीली बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आलू कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो कीमा लिया है, 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, 2 मीडियम साइज के प्याज और 2 मीडियम साइज के टमाटर। लहसुन पेस्ट इसमें जाएगा 1 चम्मच, सब्ज मिर्च 2 से 3 अदद और थोड़ा सा सब्ज धनिया। और मसालों में मैं ले रही हूँ गरम मसाला, हल्दी, सुरख मिर्च, नमक, खुश्क धनिया और ये है मेरे पास दालचीनी, लौंग, काली मिर्च का पाउडर। इन सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया है तो ये पाउडर तैयार हो गया है। तो ये सारे मसाले आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी प्याज, इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक प्याज का कलर ना चेंज हो जाए। तो देखिए यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें लहसुन पेस्ट शामिल कर रही हूँ, इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। लहसुन की खुशबू तो भाई बहुत ही मज़े की होती है, मुझे तो बहुत पसंद है। देखिए मैंने डाला और वो खुशबू आना शुरू भी हो गई है। तो अब इसमें शामिल करेंगे कीमा, कीमे को मैं पहले शामिल कर रही हूँ ताकि इसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे प्याज और लहसुन के साथ, इसको अच्छा सा हम भून लेंगे। तो एक चीज हम पहले शामिल करेंगे और वो चीज है नमक। नमक हम साथ ही डाल देंगे क्योंकि इससे कीमा बहुत अच्छी तरह से भुनेगा और इसकी स्मेल वगैरह जल्दी खत्म हो जाएगी। तो बाकी के मसाले हम बाद में शामिल करेंगे, तो नमक मैं अभी डाल रही हूँ। कीमे को मैंने भून लिया है, अब इसमें जाएंगे टमाटर, मिक्स करेंगे इसे। तो टमाटर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको ढककर पकाएंगे ताकि टमाटर का सारा पानी है जो वो खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। तो मैंने तकरीबन यहाँ पे 10 मिनट टमाटरों को पकाया, अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है तो अभी मैं इसे 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। तो देखिए टमाटर बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब इसमें जाएंगे ये सारे मसाले जो मैंने आपको पहले बताए हैं। मैंने यहाँ पे बहुत कम मसाले यूज़ किए हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी, आप लोग जितना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। तो मसाले सारे हैं जो अच्छी तरह से पक चुके हैं, अब इसमें डालेंगे आलू।
और अब इसमें शामिल करेंगे सब्ज मिर्च। तो देखिए सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। आलू डालने के बाद मैंने तकरीबन इसे 10 मिनट पकाया। कीमा भी अच्छी तरह से पक चुका है और आलू हैं जो वो भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, तो अब इसे निकालते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा सालन तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कीमा आलू की रेसिपी पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।